तो अब एक और ट्राई कर लेते हैं आपके साथ। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं पहले एक बाइक खा गया था पकड़ के भाई। अब बंदर बैठे दिख गए थे, मैंने कहा चलो इनको खाना खिला दे थोड़ा। खा ले हैं, गाड़ी पे शीशे क्यों करने जा रहा था? रुक जा, देता हूँ कुछ। 1842 की और 1862 की बिल्डिंगें बनी हुई है। आर्मी का जो कैंप है यहाँ पे, ये कैंटोनमेंट छावनी है, तो अंग्रेजों द्वारा ही बसाई गई थी। तो गाइस, मैं अभी कल्याण कैफे में बैठा हूँ और मैंने अपने लिए ऑर्डर करे चिकन मोमो स्टीम वाले। अरे भैया एक दिन पीछे पड़ गया, मैं दो दो लाइटें लेके चला, आगे भी लाइट लगा ली मैंने, अपने पीछे भी लाइट लगा ली और मैं चलता। मुझे लगा यहाँ बर्फ पड़ी हुई है, बाद में पता लगा इसको ढका हुआ है ओलों से। ये एप्पल के सारे यहाँ पे बाग हैं जिनको ढका हुआ है ऊपर। गुड मॉर्निंग माई यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब लोग सही होंगे। तो आज की जर्नी का कुछ ऐसा सीन है कि हम यहाँ से पहले जाएंगे कसौली, कसौली का हम फूड टूर लेके, उसके बाद हम निकलेंगे नारकंडा के लिए, नारकंडा से शिमला, शिमला से देन आई थिंक कुफरी, और जहाँ भी जाते रहेंगे आपको दिखाते रहेंगे। फॉर श्योर बने रहिए मेरे साथ मेरी जर्नी पे। तो चलिए चलते हैं, सफ़र शुरू करते हैं। भाई अब बंदर बैठे दिख गए थे, मैंने कहा चलो इनको खाना खिला दे थोड़ा। खा ले घर से रोटी पैक करा के लाए थे, तो एक रोटी बंदरों को भी दे दी यार। ठीक है भाई, उनका भी पेट होता है, भूख लगती है उनको भी। वैसे कभी जगह रुका हूँ जंगल में चाय पीने, एक ढाबा था यहाँ पे, तो बस चाय पी ले और फिर यहाँ से निकलते हैं, सफर कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। हैं, गाड़ी पे शीशे क्यों करने जा रहा था? रुक जा, देता हूँ कुछ बिस्किट, बिस्किट लाता हूँ, आटे वाले बिस्किट। आ जा, अब बारा 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 ये ले, खा खा, अबे खा खा ले। तो गाइस मैं नाहन पहुंच गया हूँ, नाहन, नाहन के बाद आएगा धर्मपुर, धर्मपुर के बाद कसौली, और यहाँ की गलियों से निकलने का मजा ही अलग है। So guys, I finally arrived in Kasoli. अच्छी फील वाइब है ना यहाँ की, कि भाई मजा आ जाता है, अंग्रेजों के टाइम की फील आती है भाई यहाँ कुछ कुछ। और ओल्ड इज गोल्ड वहां लगा दिया अपन ने। चलो चलते हैं यहाँ के फूड टूर पे जो करने आए हैं इसके बाद, क्योंकि हमें नारकंडा भी निकलना है फटाफट। ओके, तो ये हेरिटेज मार्केट है और सब कुछ यहीं पे मिलेगा हमें। सो राइट नाउ मैं कसौली एंड मॉब्स किचन पे, हमने ऑर्डर किया है अपने लिए हाफ स्टीम मोमोज एंड हाफ फ्राइड मोमोज चिकन। तो गाइस फाइनली हमारे सामने हमारे मोमो आ गए हैं, नाउ लेट्स सी हाउ आर द मोमोज। दीज आर, मैंने तीन ही ऑर्डर किए थे अपने लिए, खासकर फ्राइड वाले चिकन वाले। चिकन वाले के साथ आपके साथ है मेयोनीज एंड थोड़ी सी तीखी वाली चटनी। तो अब एक और ट्राई कर लेते हैं आपके साथ। दीज आर सो गुड यार। ओके, सो फाइनली हमारे स्टीम मोमो के सामने आ गए हैं। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, मैं पहले एक बाइट खा गया था पकड़ के। दीज आर सो जूसी विद फुल ऑफ चिकन कीमा एंड सम ऑसम फ्लेवर से यार। तो यार पेट पूजा हो गई है, भर के खा लिया हमने मोमो। सो कसौली में छोटी सी मार्केट है, ज़्यादा बड़ी मार्केट नहीं है यहाँ पे,
जो आपको यहाँ मॉल वॉल दिखेंगे जैसे शिमला में है, वहाँ बस छोटी सी मार्केट है। और ये यहाँ का जो गुप्ता ब्रदर्स का स्टोर है, ये बहुत पुराना स्टोर है, हालांकि अभी बंद पड़ा है। सो हम एट कल्याण कैफे, और यहाँ के भी मोमोज बड़े फेमस है, तो मैंने सोचा चलो अंदर चल के ट्राई करते हैं यहाँ के मोमो। जी अंकल जी, तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम है जी लेखराम। तो ये कल्याण कैफे जो है ये कितना पुराना है अंकल? ये कल्याण कैफे है जी अंग्रेजों के टाइम का, बिफोर पार्टीशन, 1906 का बना हुआ। 1906 का बना हुआ जी। तो फिर मुझे आपका एम्बियंस काफी पुराना और काफी यहाँ पे हेरिटेज प्रॉपर्टी लग रही है आपकी, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप देखोगे तो 1842 की और 1862 की बिल्डिंगें बनी हुई है। आर्मी का जो कैंप है यहाँ पे, ये कैंटोनमेंट छावनी है, तो अंग्रेजों द्वारा ही बसाई गई थी ये। और ये यहाँ पर आप आज भी उन बिल्डिंगों को देखेंगे 1842 की और 1862 की, एज इट इज वेयर इट इज, जैसे अभी ही आज ही बनाई है। उनमें कोई दरारें नहीं है। आप देखोगे, आप इधर जाइए, आगे बैरिक्स हैं आर्मी की, और है रेजिडेंस हैं, तो सब कुछ है। तो आज भी वो ऐसा ही है कि जैसे आज ही बने हैं जी। तो चलिए अंकल जी, आपने यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा बताया, खासकर अपने कैफे के बारे में, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये कैफे बहुत पुराना है जी, और ऐसी बात नहीं, उसके बाद अंग्रेजों के बाद फिर हमारे पास ये इंडियन ने लिया, ये खरीदा उनसे लीज पे, तो फिर उन्होंने खरीद के इसको आगे चलाया। तो ये होटल था, और ये होटल कल्याण होटल के नाम से हुआ, और कल्याण होटल बहुत मशहूर होटल रहा है, और लोग बाहर से आके यहाँ खाना खाने का इंजॉय करते थे, और डिलीशियस और स्वादिष्ट खाना यहाँ बनता था। अच्छा, तो गाइस मैं अभी कल्याण कैफे में बैठा हूँ, और मैंने अपने लिए ऑर्डर करे चिकन मोमो स्टीम्ड वाले, चार मैंने पैक करवा लिए, चार मैंने यहाँ पे सामने ले लिए। मैंने कहा चलो ट्राई करके देखते हैं आपके सामने, आपको भी तो बताएं रिव्यू कैसा है मोमोज का। मोमोज बहुत अच्छे हैं गाइस, अंदर पूरी स्टफिंग भरी हुई है चिकन कीमे की, स्प्रिंग अनियंस की, थोड़ा बहुत इसके अंदर मुझे गार्लिक का फ्लेवर भी आ रहा है, इट्स वेरी नाइस। ये यहाँ के ओनर है जिनकी पिक लग रही है। हाँ जी, हाँ जी। बेटे थे आगे फर्म बी कालीचरण एंड सन्स के नाम से। जो फर्म थी बी कालीचरण एंड सन्स के नाम से फर्म है ये। ओके। और जो उसको टेक ओवर जो करते हैं श्री किशोर जी करते थे, उसके बाद उनका बेटा नवनीत। और उसके अच्छा, तो मतलब आप ही के पास वो चीज़ चलती आ रही है तब से, मतलब आप ही टेक केयर कर रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी। चलिए अंकल जी, आपसे बहुत अच्छा लगा, और आपसे भी सर बहुत अच्छा लगा मिलके। अब आज्ञा दीजिए यहाँ से जाने की। ओके सर, ओके, बिल्कुल, क्यों नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। है ना हिस्टोरिकल प्लेस, काफ़ी पुराना चर्च है यहाँ का। कसोली चर्च राइट नाउ, ये अंग्रेजों के ज़माने का चर्च है यहाँ पे, बहुत पुराना, अभी का नहीं है। तो हॉल्ट लिया था हमने यहाँ पे कसोली में, तो सोचा थोड़ा घूम लेते हैं, घूमते घूमते पहुँच गए पुराने से चर्च में। तो गाइस कसोली में हमारी पेट पूजा हो गई, अब यहाँ से निकलते हैं सीधा नारकंडा के लिए। ऑलरेडी 3 बज चुके हैं, शाम से पहले या रात से पहले तो नहीं पहुंचेंगे अपा।
मकान बड़ा भयंकर, वो देखो सामने। गाइस अपन ने शिमला क्रॉस कर दिया है, बस अब 35 किलोमीटर चौक रह गया है, उसके थोड़ा सा आगे नारकंडा है। मैं तो खुद थक गया यार, सुबह से 300 किलोमीटर हो गए ऑलमोस्ट, तो चले जा रहे हैं, मंजिल अभी दूर है भाई। भाई कौन सी जगह है ये? छराबड़ा। क्या नाम है? छराबड़ा। छराबड़ा छराबड़ा। अच्छा भाई, छावड़ा में रुके हुए हैं चाय पीने के लिए। अंदर यहाँ पकड़ी इसमें चाय, तब तक हम गाड़ी की इंस्पेक्शन कर लेते हैं। कुत्तों की तरह भगाते लगा रहे हैं तब से, 300 किलोमीटर पेल दी भाई साहब, और हॉल्ट भी लिया बीच में, वहाँ पे रुके थे जहाँ पे अपने कसौली में। भाई टायर टूयर तो ठीक है फिलहाल, मीठा बढ़िया बढ़िया कर दो, बढ़िया मीठी चाय पीते हैं ना, 5 चम्मच चीनी वाली। तो यार मैं जहाँ भी चाय पी रहा था ना टपरी वाले में, तो टपरी वाले को मैंने वैसे ही पूछा यहाँ पे जानवर भी है, कहता हाँ भैया लेपर्ड है, ये है वो है। तो बस भाई अपनी राम कथा लेके चालू हो गया बंदा, आधा घंटा लगाया बंदे ने अपनी सारी बातें बताने में डिटेल के साथ। अरे भैया एक दिन पीछे पड़ गया, मैं दो लाइटें लेके चला, आगे भी लाइट लगा ली मैंने, अपने पीछे भी लाइट लगा ली, और मैं चलता रहा। भाई बताओ सही है ऐसे ऐसे चैप्टर है भाई, मिलते हैं बढ़िया वाले। एक बात पूछी थी छोटी सी, और बंदे ने ना पूरा थेसिस लिख दी बंदी लंबी वाली, और मैं सोच रहा, मैंने कहा यार कमाल है बंदा तू यार, मतलब डिटेल में बताया। एनीवेज आपने व्लॉग में आज कुछ अलग देखा अभी तक? क्या स्पेक्स? चश्मा लगा हुआ भाई, चौंदो वाली फीलिंग आ रही है ये चश्मा लगा के सिलेंड्रिकल आके हो गई हमारी, सिलेंड्रिकल एक प्लस में हो गई एक माइनस में हो गई। क्या यार पंगे ही पंगे है लाइफ में तो। तो गाइज अभी भी बस होटल मिला ही है, और सामान वहाँ फेंक दिया पकड़ के, सब कुछ फैला हुआ है भाई। पीछे बैल्कनी से व्यू देखो, पूरा नारकंडा वैली पूरा सब कुछ दिख रहा है भाई, ऑसम। मुझे पहले लगा ये जो वाइट वाइट आप देख रहे हो ना, मुझे लगा यहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, बाद में पता लगा इसको ढका हुआ है ओलो से। ये एप्पल के सारे यहाँ पे बाग हैं जिनको ढका हुआ है ऊपर, क्योंकि यहाँ ओलावृष्टि होती है तो उस वजह से इनको ढक देते हैं। यार ऑसम व्यू है यहाँ पे, और ठंड ऐसी है कि चल भाई अंदर ही चल अंदर। आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, मैं भी पूरा एग्जॉस्टेड हो चुका हूँ, थक चुका हूँ, अब मैं सोऊंगा यहाँ पे नारकंडा पहुँच के। बस अब आपको मैं कल मिलता हूँ मॉर्निंग में। एंड इफ़ यू गाइज लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल लाइफ विद गिरीश, प्लीज़ 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 कर लो यार, कर लो। तो गाइज खुश रखो, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, क्योंकि लाइफ बहुत खूबसूरत है। कल दिखाऊंगा कितनी खूबसूरत है। और टेक केयर, बाय।